देखा पिताजी, 9 बज गए और वो अभी तक नहीं आए। सीमा पिताजी, क्या आप ये समझते हैं कि वो अभी तक दफ्तर में होंगे? इधर आओ। देखो बेटी, लकड़ी जल जाती है तो भी कोयला बनकर किसी और के काम आ जाती है, मगर दिल जलने से किसी काम का नहीं रह जाता। बेटी, दिल जलाने से बेहतर यही होगा कि तुम अपने विश्वास को सींच कर और मजबूत बनाओ। इसी में तुम्हारा और इस घर का कल्याण है, समझी? मामा, ये सवाल हल नहीं होता, हर बार जवाब गलत आता है। मैं भी भगवान से यही प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सवाल गलत हो। क्या कह रही हो माँ? मैं तेरी पुस्तक के सवाल के बारे में नहीं, अपने दिल के सवाल के बारे में कह रही हूँ। सुरेश, आए तेरा। सुन बेटा, तू उसका लड़का का घर जानता है? मैंने सिर्फ एक बार देखा है, उनका लड़का हमारे ही स्कूल में पढ़ता है। फिर तो बहुत अच्छा हुआ। देख, ऐसा कर, तू उनके घर जा, लेकिन देख, इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। वहाँ जाकर क्या करूँ माँ? देख करा, तेरे पिताजी वहाँ हैं या नहीं। क्यों माँ? क्यों और क्या मत पूछ, जैसे कहा वैसे कर, जा। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। वहाँ से आकर खाना। अगर तू वहाँ से अच्छी खबर लाएगा कि तेरे पिताजी वहाँ नहीं है, तो मैं तुझे मिठाई खिलाऊंगी। अच्छा माँ। सीमा, सुना है कि पुराने जमाने में एक राजा दूसरे राजा का भेद जानने के लिए जासूस छोड़ा करते थे, मगर यह नहीं सुना कि किसी पत्नी ने अपने पति के पीछे जासूस छोड़ा हो। बेटी बेटी, ये बहुत बुरी बात है। दुनिया में हर बीमारी का इलाज है, सिर्फ शक की बीमारी का कोई इलाज नहीं। ये बीमारी लग जाए, इंसान दूसरों पर ही नहीं बल्कि अपने आप पर भी विश्वास खो बैठता है।